शहीद उधम सिंह समिति के द्वारा इंद्री में आयोजित शहीद आजम उधम सिंह की जयंती पर सभी वर्ग धर्म व सियासी दलों के नेताओं ने शहीद के चरणों में पुष्प अर्पित करके जनता के सामने आपसी सौहार्द व भाईचारे की मिसाल पेश की। इस समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष MS निर्मल ने की। हवन यज्ञ से शुरू हुए समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे वहाँ पर और उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर जोश व आस्था के पुष्प अर्पित करके एकता का नमूना पेश किया। आज हमारा देश जो है शहीदों का और देशभक्तों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। हमारे देश में बहुत शहीद हुए हैं, उनमें से शहीद उधम सिंह जी एक जो है अग्रणी है, जो मतलब जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सारा जीवन जो है देश की आज़ादी के लिए लिया। जब उन्होंने देखा जलियांवाला बाग में गए और वहाँ पर जो है निहत्ते आदमियों ने, निहत्ते जो हमारे भारतीय थे जो सखी के अवसर पर वहाँ इकट्ठे हुए थे अपना उत्सव मनाने के लिए, जनरल डायर ने आर्डर करके उनको सभी को गोलियों से भून दिया, चार रास्ते बंद कर दिए सभी। उसमें निहत्ते आदमी निर्दोष आदमी जो है उसमें हजारों की संख्या में जो निर्दोष आदमी मारे गए, उसका बदले लेने के लिए जो है अपने शहीद उधम सिंह जी उन्हें इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जा करके उन्होंने जो है उसकी जनरल डायर की हत्या करी, वहाँ पर उसने बदला ले लिया। तो उनके दिल में जो है देश के प्रति राष्ट्र भावना भरी थी, इसलिए वो देश को आज़ाद कराने के लिए बदला लेने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। ऐसे शहीद उधम सिंह थे, हम सभी ने उनका जन्मदिन मनाया, उनसे प्रेरणा ली, हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन जो है देश को राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। हम सभी ने उनके जीवन से आज ये सीखना चाहिए। हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जिन्होंने जन्मदिन मनाया तो उनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र को समाज को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान करें। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस TV।